हमारे को दो आदमी आया गोली मार दिया, हम पहुंच गए, हम तनखा से पहुंच गए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर अपराधियों का बेखौफ तांडव देखने को मिला है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिला जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। आपको बताते चले कि कुख्यात अपराधी को दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। क्या कुछ वहां के स्थानीय लोगों का कहना है इस घटना के बाद, आप उनकी बातों को सुनिए, साथ ही साथ वहां के पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना के बाद, आपको हम उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। वो दो आदमी आया गोली मार दिया, हम पहुंच गए, हम तनखा से पहुंच गए। कोठी से आया था? दो चक्का से आया था। कहां बैठे हुए थे? आया है और बिना पूछे हुए कोई बात किए हुए गोली चला दिया? हाँ, हम बच गए। तू मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल रुक मार दो, चतुरा गोली मार दे, तुम घर में भाग गए। कौन था? पहचान उचान हुआ कुछ? पहचान पाया उसको? नहीं, मुँह तो अपने से। क्या नाम है तुम्हारा? चुनचुन कुमार। कितने लोग था? दो आदमी। किसको गोली लगा है? इंडियन भाई। भाई है ना तुम्हारा? हाँ। अभी कहाँ ले गया? परेशान गोली उनके शरीर में लगता है और स्पॉट डेथ उनका हो जाता है। तो पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है और घटना सब सीन है उसको हम लोग CCTV फुटेज और इसके आधार पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है? तो उनके बॉडी देखने के बाद आपको खतर हुआ, 6-7 को खतर हुआ। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? गोली मार कर हत्या किया गया। आपसे भी बात, अब तो देखिए उनके प्रजन क्या बोलते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर सुबह गोलीबारी होने से हड़कंप मच गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की की है, जहां पूर्व में कई कांडों में जेल जा चुका कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ इंडियन अपने मार्केट में बैठा था, तभी अचानक चेहरा बांधे हुए एक बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा गोलियों से भून दिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर बड़े आराम से भाग निकला। वही सूचना पर पहुंचे सदर थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार मिश्रा और स्थानीय लोगों के द्वारा घायल इंडियन को निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय सूत्रों की माने तो आपसी वर्चस्व और गैंगवार की में हत्या की आशंका बताई जा रही है। वहीं मामले में पूछे जाने पर टाउन DSP राघव दयाल ने बताया है कि सदर क्षेत्र में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पूर्व में कई कांडों में जेल जा चुका है। हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जो है वो जुटी हुई है। तो जहां एक और कुख्यात अपराधी जो है वो अन्य दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा भूना गया, जहां दिन दहाड़े उसे दो अज्ञात अपराधी मुंह पे कपड़े बांधे हुए आए थे और मुंह पर काले कपड़े बांध कर आए और कुख्यात अपराधी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहां पे जितने भी स्थानीय लोग जो हैं उस कुख्यात अपराधी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में जाते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।